अश्विनी जोशी। औरत आज किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पर्धा में मर्द से नीचे नहीं, चाहे वो क्षेत्र हो सेना का या क्षेत्र हो खेल का। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सरकार की उपेक्षा का शिकार बन रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार अपने वादों से मुकरती जा रही है। आज हमारे साथ हैं माउंट एवरेस्ट विजेता और सरकार की उपेक्षाओं का दंश झेल रही एक छोटे से गांव गुजर माजरी की सुनीता। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका वीटीवी स्टूडियो में पहुंचने का। सुनीता जी, पहले अपना परिचय। मेरा नाम सुनीता सिंह है और मैं गुजर माजरी गांव से हूं, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। सुनीता जी, आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहिए। बचपन मेरा मेरी दादी के साथ बीता। जब मैं 8 महीने की थी तब से मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। तो जब मैं अपनी दादी के साथ उनके साथ रहती थी तो कभी कभी वो अपने गांव जाती थी। तो जब वो अपने गांव जाती थी मैं उनके साथ जाती थी। और उनके गांव, उनका जो गांव है वो राजस्थान में है, अरावली में, अरावली माउंटेन से घिरा हुआ है। तो जब मैं उस गांव में वहां जाती थी तो मुझे रास्ते नहीं थे, तो वहां पे जब भी मुझे अगर गांव में अंदर जाना है, घर पे जाना है, तो मुझे पहाड़ चढ़ने पड़ते थे। तो मेरी दादी चढ़ती थी तो उनके पीछे पीछे मैं भी चढ़ती थी। तो पहला स्टेप मेरी दादी ने मुझे चढ़ना सिखाया और बचपन मेरा मेरी दादी के साथ ही ज्यादा बीता। सुनीता जी, आप गुर्जर समाज से आती हैं। जी, गुर्जर समाज में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। मैं इकलौती हूं। आप इकलौती हैं जी। तो कहां से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप माउंट एवरेस्ट जैसी फतह करें? हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो बचपन अपनी दादी के साथ बीता और दादी के साथ मैं पहाड़ों पर चढ़ती थी जब मैं उनके गांव जाती थी, तो वहीं से मेरे अंदर ये जज्बा आया और मेरी दादी ने ही मेरे को चढ़ना सिखाया। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुजरों में अब तक कोई किसी ने चढ़ने का सोचा है या नहीं सोचा है। मुझे भी उस टाइम तक इतना नहीं पता था कि मैं गुजर कम्युनिटी के हूँ और गुजरों में ऐसा शायद ये चीज़ नहीं हो पाती है या लोग नहीं करते हैं और मैं पहली ही बनूंगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। सुनीता जी, जब आपको ये शौक लगा माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, तो क्या आपके घर वालों ने एतराज नहीं जताया? घर वालों ने तो बहुत ऐतराज़ जताया, पर ये था कि मैंने इसके लिए कोर्सेज वगैरह किए थे तो उस टाइम तक तो परमिशन थी। लेकिन जब बात आई एवरेस्ट की, जब मैंने घर पे बताया कि मुझे एवरेस्ट जाना है, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, भूल जा, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दे। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं निकालती हूँ इसे दिमाग से। पर काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सोचा कि मैं इसे निकालती हूँ, मैंने बहुत टाइम लगाया, लेकिन वो चीज दिमाग से नहीं निकल पाई। शायद इसका दिमाग से निकली लेकिन दिल से नहीं निकल। ये भी हो सकता है कि आज तक गुजर समाज में कोई लड़की गई ना हो माउंट एवरेस्ट पर। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि गुजर समाज में कोई लड़की अब तक नहीं है। गुजर समाज में तो मैं पहली हूँ, लड़का लगाइए, लड़की लगाइए या कुछ भी लगाइए। पर मेरा अपना अपनी दिली इच्छा थी और मैं ये करना चाहती थी, इसलिए मैंने किया। तो आपने कोर्सेज कहाँ कहाँ से? मैंने इसके लिए पहले स्कूलिंग, जब मैं स्कूल में थी तो मैं नेशनल ज्योग्राफी चैनल बहुत देखती थी, तो उसमें एक बार आता था मिशन एवरेस्ट, एक रियलिटी शो था जिसकी जो शूटिंग जो है वो उत्तराखंड से हुई थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में जो है वहाँ पे हुई थी। तो एक बार शूटिंग के दौरान कैमरा शायद उन्होंने फोकस किया होगा उसके जो बोर्ड की तरफ, तो उसमें नीचे दूरभाष कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। मैंने फटाफट वो कॉन्टैक्ट नंबर लिया और डायरी में लिख लिया। उसके बाद जैसे वो खत्म हुआ सीरियल, मैंने सीधा कॉल किया और उनको मैंने बताया कि सर, जो ये मिशन एवरेस्ट चल रहा है, मुझे भी इसमें जाना है और मुझे आना है, मुझे भी, मेरा भी जो मिशन है वो एवरेस्ट है, मुझे भी ये क्लाइम करना है। मैं उस टाइम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो उन्होंने शायद मेरी आवाज़ से शायद मुझे पहचान लिया होगा कि मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ। उन्होंने कहा, बेटा अभी आप क्या करते हो? तो मैंने कहा, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा इसके लिए मिनिमम जो एज है वो 17-18 होनी चाहिए, तो आप पहले अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम अब मुझे लगा कि अब ये चीज़ तो सीरियसली दिल से निकालनी पड़ेगी, दिलो दिमाग से, क्योंकि पहले स्कूलिंग कंप्लीट करनी है। फिर धीरे धीरे मैं प्लस टू तक पहुंची, मैंने प्लस टू किया। उसके बाद मैं टेनिस की प्लेयर थी, तो इसलिए मेरे कोचेस ने कभी परमिशन नहीं दी कि मैं 1 मंथ के लिए, 1 मंथ लीव लूँ और मैं इसके लिए जाऊँ कोर्सेज के लिए। फिर मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन फिनिश होते ही मैंने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अपना पहला जो कोर्स किया माउंटेनिंग का बेसिक कोर्स, वो मैंने मनाली से किया, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, अभी जिसका नाम है, पहले उसका दिमाग था, डायरेक्टर ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स था, जहाँ से मैंने अपना बेसिक कोर्स किया। उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स निम से किया और HMI से किया, दार्जिलिंग से, HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में जो है, वहाँ से मैंने अपना एडवांस कोर्स किया। तो मेरे बेसिक और एडवांस दोनों में ए था। उसके बाद मैंने IMF इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन जो न्यू दिल्ली में, वहाँ पे अप्लाई किया। तो पहले स्टार्टिंग में तो मेरा उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया, लेकिन 2010 में उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और मैंने एक दो पीक उनके साथ की। उसके बाद 2011 में मेरा जो है
सिलेक्शन हो गया था एवरेस्ट के लिए। सुनीता जी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने की पहली सीढ़ी होती है स्पॉन्सरशिप, यानी कि पैसे कलेक्ट करना वहां जाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि वहां चढ़ना आसान बात नहीं है, चढ़ना आसान बात तो है ही नहीं, लेकिन उसके लिए उससे पहले पैसे कलेक्ट करना वो और भी मुश्किल बात है। आप एक मध्यम परिवार से संबंध रखते हैं जी, तो कैसे आपने इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाया? मेरे पापा के फूफा जी श्री रामफूल जी, उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दिए। वो मेरे पापा के फूफा जी हैं, मतलब मेरे दादाजी लगे, तो उन्होंने 25 लाख रुपए मेरे पापा को दिए कि ठीक है आप इसे दे दीजिए और ये कर आएगी उसके बाद। सुनीता जी, पैसों का इंतजाम हो गया जी, और अब चढ़ाई की तैयारी शुरू, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आप अब पूरी तरह तैयार। तो अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आप अपनी टीम के बारे में बताइए। मेरी जो टीम थी, जो जिस टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो टोटल 28 लोगों की टीम थी, जो इंटरनेशनल टीम थी, जिसमें 3 US के थे, 3-4 जापानीज थे, 1 स्विट्जरलैंड से था और काफी सारे थे, और उसमें 6 हम इंडियंस थे, जिसमें से 5 जो है हम वो हरियाणा से ही थे। सुनीता जी, एवरेस्ट की जब आपने चढ़ाई चढ़ी तो काफी ऐसे मोड़ आए होंगे जब आपको लगा कि नहीं ये फैसला मेरा गलत था, या कभी ऐसा लगा हो कि नहीं कुछ गलत हो गया मेरे साथ, कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको लगा कि हाँ कुछ गलत है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ? हाँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि मुझे लगा कि मैंने शायद डिसीजन गलत ले लिया या कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब मैं गई, मैं सबमिट कर चुकी थी तब तक, मतलब सबमिट मतलब मैं टॉप पे जा चुकी थी, और पहुंचने के बाद आप सबमिटर्स में कहलाते हैं, मतलब आपने एवरेस्ट कर लिया है। जब मैं वापस आ रही थी तो एक जगह ऐसा हुआ कि जो क्रैम्पोन, जो हमारे शूज के नीचे कीले लगी होती है, कीलों वाला एक जूता होता है, फ्रेम होता है, वो लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि हम बर्फ के ऊपर जब पैर रखते हैं तो बर्फ के ऊपर हमारा पैर जो फिसलता नहीं है और हम फिसल के नीचे गिरने से बच जाते हैं, तो वो जो बर्फ को पकड़ लेते हैं वो कीले, और उसके बाद हम गिरने से बच सकते हैं, बच जाते हैं। तो वो क्रैम्पोन मैंने बहुत टाइटली बांधे हुए थे, मैंने सोचा भी नहीं, कभी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे क्रैम्पोन्स खुल सकते हैं उस टाइम मैंने, और जब मैंने पहने थे उस टाइम मैंने बहुत टाइटली पहने थे, मुझे क्रैम्पोन बहुत टाइटली पहनती, और मतलब जब मेरे क्रैम्पोन खुल के नीचे गिर गया राइट लेग का, तो मैं एकदम शॉक थी कि ऐसा कैसे हो गया। और जब मेरे क्रैम्पोन गिर गया उस टाइम मैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैं कितने डिग्री की वॉल पे थी, क्योंकि मैंने वहां पे मेजर नहीं की, बट जब जिस वॉल पे मैं थी उस वॉल से जब मैंने देखा तो मुझे इतना था कि विदाउट क्रैम्पोन वहां से क्लाइम करके नीचे जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे। तो बस मैंने सोचा कि चलो सबमिट करना था, वो तो हो गया, आंख बंद करो और कूद जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं कूद गई, मेरे साथ सेफ्टी लगी हुई थी और सेफ्टी रोप के साथ मैं थी, तो इसलिए मैं जिंदा बची। और जैसे ही जहां पे जब मैंने आंख खोली और मैं गिरी, जैसे मैं उठी, मैंने देखा चारों तरफ, तो मुझे लगा अरे मैं तो जिंदा बच गई। उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है अब बच गई, अब खड़े होती हूँ। जब मैं खड़े होने के लिए, जैसे मैंने अपने राइट लेग पे पुश किया, तो मुझे पता लगा दूसरा झटका लगा कि मैं जहां पे बैठी हूँ वो एक्चुअली मैं क्रवास के ऊपर बैठी हूँ। मेरा एक पैर पूरा क्रवास के अंदर जा चुका था, आधे से काफी ज्यादा जा चुका था, तो मुझे लगा अगर मैं थोड़ा सा भी कहीं पे मूव हुई तो मैं क्रवास के अंदर चले जाऊंगी। मेरे आगे और पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं था, मैं अकेली उस टाइम थी, तो मैंने इधर उधर 2-3 बार देखा कि कोई तो नजर आए कि किसी से हेल्प मांगी जाए, फिर मैंने देखा कि कोई भी नहीं है, तो मुझे लगा खुद ही करना पड़ेगा। फिर जितनी टेक्निक मैंने, जितने भी इंस्टीट्यूट में जाके जितनी टेक्निक सीखी थी, मैंने सारी टेक्निक लगा दी और जितने इक्विपमेंट मेरे पास थे मैंने सब कुछ लगा दिया। बड़ी मुश्किल से मैं पता नहीं कैसे पलटी खाई और मैं कैसे बची वहां से, मुझे अभी भी मतलब याद नहीं आता एग्जैक्टली कि मैंने ऐसे कैसे निकल गई वहां से। जैसे मैं वहां से निकली, मेरे एक ही पैर में क्रैम्पोन था, वहां जहां मैं गिरी थी वहां पे सरफेस थोड़ा प्लेन था, मतलब वहां पे एक क्रैम्पोन ना भी हो तो चल सकता है थोड़ा बहुत, तो मैंने कुछ स्टेप चले और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा क्रैम्पोन है कहां। तो मेरा जो क्रैम्पोन था वो मेरे एग्जैक्टली राइट साइड में था और काफी डिस्टेंस पे था, और जहां पे मेरा क्रैम्पोन था वो एवलांच प्रोन एरिया जैसा लग रहा था कि अगर मैं वहां पे पैर रखूंगी तो वो पूरी बर्फ नीचे जाएगी। मैंने अपनी सेफ्टी लगाई हुई थी, बड़ी मुश्किल से हिलते किसी तरह फिसलते फिसलते लेट के हाथ वाथ से किसी तरह एक्स लगा के मैंने अपने क्रैम्पोन को खींच के निकाला। एक्स मतलब हमारे पास एक हथौड़ी जैसी होती है, मेरे पास आइस एक्स था, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो मैं लेटी और उसके बाद मैंने अपने कुल्हाड़ी से उसको खींचा और किसी तरह लकीली मैं वहां तक पहुंची, मेरी एक्स पहुंच गई और मैंने उसको खींच के निकाल लिया। उसके बाद मैंने पहन लिया और उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं पे बैठ गई, मेरी जान में जाना है कि हे भगवान 3 बार गिरने से बची मैं, तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया और उसके बाद मैंने कहा चलो अब आगे चलते हैं। ये सबसे भयानक रहा मेरे साथ आज तक के इंसिडेंट में। बाकी क्लाइंबिंग के ड्यूरेशन बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा जो हुआ था ये ऐसा पहली बार हुआ कि मैं अकेली थी और ऐसी जगह में फंस गई थी कि मेरे साथ कोई था नहीं। अपनी टीम में आप सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, हाँ जी, पहली बार भारतीय तिरंगा लहराया, हाँ जी, तो वो क्षण कैसा था, कैसी अनुभूति थी आपकी?
हाँ जी, उस क्षण के लिए एक्चुअल में मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो मैं जिंदगी में जो करना चाहती थी मैं वहां पहुंच गई थी। और सबसे अच्छी बात है कि उस दिन में सबसे पहले मैं पहुंची थी तिरंगे के साथ। सबसे पहले उस दिन अगर लगा तो तिरंगा लगा, उसके बाद ब्राजीलियन अपना फ्लैग लेकर आए थे। मैं बहुत खुश थी, वहां पे जाके मैंने अपनी दादी को मिस किया। मैंने कहा काश अगर मेरी दादी आज होती तो मैं उनको बताती कि आपने मुझे जहाँ चलना सिखाया मैं आज उसके टॉप पर आ गई हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर आ गई हूँ, इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत खुश हो रही थी वहां पे, मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत मिस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अब इसके बाद अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं, मैं इतनी ज्यादा खुश थी। इसलिए जो मैं इंसिडेंट बता रही थी कि उसके बाद हुआ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जो करना चाहती थी मैं कर चुकी थी। और जो वहां पे जो फील हुआ मुझे, उसके लिए मेरे पास सीरियसली कोई शब्द नहीं है। मैं कैसे उसे एक्सप्लेन करूं, मेरे पास कुछ नहीं है उसके लिए। आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी खुशी किसके साथ शेयर? सबसे पहले आने से पहले जब मैं ऊपर थी तो जैसे मैं पहुंची थी, मैं नीचे जैसे ही आई बेस कैंप में जहाँ पे नेटवर्क होता है, वहां मैंने सबसे पहले अपनी मैम को फोन किया, सुश्री चंद्र प्रभा एतवाल मैम को, और मैंने कहा मैम मैं वापस आ गई। तो मैम एकदम शॉक, तू वापस कैसे आ गई, तूने क्लाइम नहीं किया, ऐसे कैसे वापस आ गई? मैंने कहा मैम क्लाइम करके वापस आई हूँ। तो उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा, मुझे पता था तू कर सकती है ये वो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मैम जिनके साथ मैंने क्लाइंबिंग करना सीखा है वो मेरी दादी जैसी है, तो इसलिए मैंने उनको कॉल किया। उसके बाद मैं जब घर वापस आई तो वहीं से मैंने फोन कर दिया था मम्मी पापा को, सिस्टर को फोन कर दिया था। घर आई तो मैंने अपनी मम्मी पापा को ये बात बताई, तो मतलब मैं उनको देख के खुश थी, हालांकि वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी मुझे पहचान नहीं पा रही थी, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि ये देखे कि इसकी हालत क्या हो गई है, मेरा पूरा चेहरा जल गया था, पहचान नहीं पा रही थी। हालांकि पहचान तो लिया था लेकिन थोड़ा पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है उस टाइप, मतलब शक्ल एकदम चेंज हो गई थी मेरी। मैं बहुत खुश थी, वो भी खुश थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब पता नहीं मेरी शक्ल देख के या खुशी के आंसू थे या गम के थे, मुझे नहीं पता। सुनीता जी, माउंट एवरेस्ट फतह के बाद स्वागत सम्मान समारोह का सिलसिला शुरू। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की एक लड़की माउंट एवरेस्ट को फतह कर आती है, रातों ही रात, या ये कहें कि उसके खुद की लगन ने उसको पूरे प्रदेश में चर्चा में ला दी। तो कैसा लगा उस समय कि आप लोग आपकी राह में पलके पावड़े बिछाए बैठे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, कैसा लगा? जैसे मैं वापस आई तो उस दिन रात को तो मैं अपने घर ही नहीं पहुंच पाई, मैं अगले दिन अपने घर पहुंच पाई। बीच में जगह जगह मेरा सम्मान होता रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे सम्मान के साथ मेरे पेरेंट्स का सम्मान हो रहा था, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं टॉप पे गई थी तो मैं अपने दो लक्ष्य के साथ गई थी। एक था जिस पे लिखा हुआ था स्टॉप चाइल्ड मैरिज, तो जो मेरा जो लक्ष्य था वो था स्टॉप चाइल्ड मैरिज, बिकॉज मैं गुजर कम्युनिटी से हूँ और मैंने देखा है गुजर में और मेरे गाँव में मैंने देखा है कि जितनी भी लड़कियां मेरे साथ की हैं या मेरे से 4, 5, 6, 10 साल, 12 साल तक छोटी, उन सबकी शादी हो गई है, वो बच्चों वाली हो गई है। तो ये चीज मुझे बहुत फील होती थी कि उनका खेलने कूदने के टाइम है और उस टाइम वो बच्चों की माँ बनी घूम रही है। तो इसलिए मैं ऊपर जब गई तो मैं एक ही लक्ष्य लेके गई थी, और दूसरा मैं एक और बैनर लेके गई थी जिसपे लिखा था आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो इस चीज का मैंने अपने धन्यवाद किया था अपने पेरेंट्स का ऊपर जाके, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वहां तक पहुंची, जिसमें कि आप लगा सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या भी उसके अंदर आ जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, लड़कियों के लिए वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे जन्म दिया और मुझे पढ़ाया लिखा और इस काबिल किया कि मैं वहां तक सोच सकूं, और मैंने वो करके दिखाया। माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले आपने 25 लाख रुपए का कर्ज लिया, स्वागत सम्मान समारोह में कई घोषणाएं हुई पैसों के लिए भी। अवतार सिंह भड़ाना माननीय सांसद हैं हमारे फरीदाबाद से, उन्होंने 10 लाख रुपए घोषणा की। राव धर्मपाल सिंह जी कोटा वाले भावी लोकसभा उम्मीदवार हैं गुड़गांव से, उन्होंने भी आपके लिए 3 लाख रुपए घोषणा की। माननीय राविंद्रजीत सिंह जी लोकसभा सांसद है गुड़गांव से, उन्होंने भी आपको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। क्या आपको उन पैसों को प्राप्ति हुई आपको? ये बात सच है कि आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उन्होंने कुछ पैसों की घोषणा की थी, जो आज तक मेरे पास नहीं पहुंच पाए हैं, जिनकी वजह से आज भी मेरे पापा के ऊपर जो कर्जा जब मेरे एवरेस्ट जाने के लिए लिया था वो आज भी वो कर्जा एज इट इज मेरे पापा के ऊपर रखा हुआ है। सुनीता जी, एक मध्यम वर्गीय परिवार 25 लाख रुपए माउंट एवरेस्ट के लिए खर्च करते शायद ये सोचता है कि कहां से लाए। आपके फादर ने 25 लाख रुपए आपके लिए अरेंज करके दिए, आज वो कर्ज में है, शायद उनके हालात 25 लाख रुपए के कारण बुरे हो चुके। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप ही इन सब की जिम्मेदार? मुझे लगता है कि शायद इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ, जिसकी वजह से मेरे पापा ने इतना कर्जा लिया
और आज उनकी हालत ऐसी है। ये सब कुछ शायद मेरी वजह से ही हुआ है, इन सब के पीछे शायद मैं ही एक वो कारण हूँ जिसकी वजह से आज हमारी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने वहाँ जाके गलती कर दी है, अगर मैं ये गलती ना करती तो शायद आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती, शायद आज हमें उस दौर से ना गुजरना पड़ता जिससे आज मैं गुजर रही हूँ। सुनीता जी, मुद्दा सरकार खिलाड़ियों के लिए काफी नई नई नीतियां ला रही है, काफी नई नीतियां हमें देखी भी है। पहले भी ऐसा होता रहा है कि माउंट एवरेस्ट विजेताओं को DSP तक बनाया गया, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने आपके साथ उदासीनता व्यक्त की है, सरकार को आपको भी वो ओहदा देना चाहिए था जिसके आप हकदार? लगता तो है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था, बट सरकार ने अब तक कोई भी ऐसी मदद मेरे को नहीं की है। मैंने पूरे 2 साल उसका इंतज़ार किया, मुझे लगा एक उम्मीद थी कि शायद सरकार आज करे शायद कल करे, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं और अब तक ऐसी कोई मदद मेरे को मिली नहीं। तो आगे सरकार की तरफ से आपकी कोई उम्मीद है या आप सरकार से अभी कोई उम्मीद बाकी रखना चाहते हैं? मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार मेरे और मेरे परिवार की परिस्थितियों को समझे और उसके उसके अकॉर्डिंगली जैसा कि बाकी खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है, बाकी खिलाड़ियों को जो पद मिले हैं या जो उन्हें जो मदद मिली है सरकार की तरफ से, मुझे भी ये उम्मीद है कि सरकार की तरफ से मुझे भी वो मदद आज नहीं तो कल ज़रूर मिले, मेरी ये उम्मीद कायम रहनी चाहिए। मैं इस एक आशा की एक छोटी सी किरण है जिसके सहारे मैं आज जिंदा हूँ। सुनीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, अपने दर्दों को हमारे सामने बखान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। तो ये जी रेवाड़ी के पास स्थित गुजर माजरी नाम के छोटे से गांव से गुजर समाज से निकलकर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सुनीता गुजर, जहां एक समाज में लड़कियों का घर से निकलना तक बंद कर दिया जाता है, जहां लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी जाती है, वहीं इसी उद्देश्य को लेकर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सुनीता गुजर आज सरकार की उदासीनता का शिकार है। पिता पर 25 लाख का कर्ज है और उनके चेहरे पर मायूसी, शायद आज उन्हें भी लगता है उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़कर गलत की। लेकिन प्रश्न एक हर भारतीय के मन में एक प्रश्न है, हर हरियाणा प्रदेशी के मन में एक प्रश्न है कि क्या माउंट एवरेस्ट विजेता के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? जो घोषणाएं हुई है, आज तक पैसा नहीं मिला है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ तो सरकार ये वादे करती है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए कुछ कार्य कर रही है, उनको उत्साहित करने में वचनबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ सुनीता जैसी कुछ खिलाड़ी आज भी मायूसी के दलदल में फंसी है। क्या नए खिलाड़ी नए युवा प्रेरित हो पाएंगे? एक प्रश्न है जो आपके साथ हम छोड़ लिए चलते हैं, अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए अश्विनी जोशी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।